और इस वक्त खबर आ रही है मुंबई से, जहां घाटकोपर इलाके में एक चार्टर्ड विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें 5 लोगों की मौत की खबर है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और राहत और बचाव कार्य इस वक्त चल रहा है। और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगेश शीतल हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। योगेश, 5 लोगों के मारे जाने की खबर है, कौन है ये लोग और किसका था ये चार्टर्ड विमान? जी बिल्कुल, उनका देखिए अभी थोड़ी देर पहले मुंबई पुलिस ने कंफर्म किया है। शुरू में जो खबर आई थी फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन अभी जो खबर आई है जो मुंबई पुलिस के अधिकारी सूत्रों से जो खबर मिली है, 5 थे। कौन है ये लोग तो देखिए, एक तो पेडेस्ट्रियन है, नीचे थे, और 3 जो लोग हैं वो ऑलरेडी ऑन बोर्ड थे और उसमें से एक पायलट जो है वो भी शामिल है। टोटल 5 लोग जो है उनकी मौत की जो खबर है उसकी पुष्टि हो चुकी है। राहत बचाव का कार्य जो है वो यहाँ पे चल रहा है। एरिया जो ये क्षेत्र, अगर हम आपको घाटकोपर के जीवंतया जो ये क्षेत्र, उस क्षेत्र के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो रेजिडेंशियल इलाका है, कैजुअलिटी और भी ज्यादा हो सकती थी, ऐसा वहां के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, बड़े पैमाने पे जो है वहां पे एक तरीके का छोटा सा धमाका हुआ सबसे पहले, और फिर आग जो है, आग की लपटों ने आसपास के क्षेत्र है उसको भी अपने चपेट में लिया। जैसे ही सूचना मिली, फायर ब्रिगेड और जो भी बचाव की टीम है वो मौका वारदात पर पहुंची है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो फिलहाल भी यहाँ पे चल रहा है। जो बॉडीज है उसको ऑलरेडी यहाँ से ले जाया गया है, जो राजवाड़ी जो हॉस्पिटल है यहाँ पे, वहाँ पे पहले ले जाया गया है जो बॉडीज है वहाँ पे। जो बच्चा जो ऑपरेशन है वो फिलहाल यहाँ पे चल रहा है। और जो वजह है कि ये हादसा क्यों हुआ, उत्तर प्रदेश का चार्टर है जैसा कि हमें जानकारी पहले मिल चुकी है। अभी क्यों हुआ ये हादसा, हादसे की वजह क्या है, इसकी जो जांच है फिलहाल जाएगी और इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी अभी फिलहाल ऑफिशियल सोर्सेज से नहीं मिल पाई है। जी जाहिर है कि क्यों हुआ ये हादसा, इसकी तो जांच अभी होगी, लेकिन फिलहाल हम देख सकते हैं कि इस वक्त एक रिहायशी इलाका है, लेकिन उसके बीच में खुली जगह थी जहां पर यह हादसा हुआ और 5 लोग, पायलट समेत 5 लोग मारे गए हैं। और अब आगे की जानकारी के लिए नजर रखेंगे इस खबर। बहुत बहुत शुक्रिया।